लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दावे और चुनौती का दौर भी अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को सिर्फ अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे दी है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि मैं राहुल गांधी को चुनौती देती हूं कि वो केवल अमेठी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़कर दिखाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी सच में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? उसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के पूर्व सांसद की ओर से उनकी चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए जयराम रमेश को धन्यवाद भी कहा। अमेठी में मौजूद सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि जयराम रमेश ने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी अखिलेश यादव और मायावती के बिना अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस चुनौती का स्वागत करती हूं। आज हमारे कार्यकर्ता CEC के माध्यम से राहुल गांधी की तरफ से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने का इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल कांग्रेस के मीडिया महासचिव रमेश ने कहा कि अमेठी के मतदाताओं को एहसास हो गया है कि उन्होंने 5 साल पहले गलती की थी। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यहां से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से ही लिया जाएगा। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को फ्लॉप शो बताते हुए दावा किया था कि आज खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता ही राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल यह है कि जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों के लिए सहारा कैसे बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी ने अमेठी को सत्ता का केंद्र तो माना मगर उसकी सेवा नहीं की। यही कारण है कि उनका स्वागत अमेठी की सूनी सड़कों ने किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। यही वजह है कि कांग्रेस को सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से कार्यकर्ता बुलाने पड़े थे। आपको बता दें कि गांधी परिवार के गढ़ उत्तर प्रदेश के अमेठी ने राहुल गांधी को 3 बार लोकसभा भेजा, 2004 में पहली बार और फिर 2009 में और फिर 2014 में। 2014 में स्मृति ईरानी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के मुकाबले उप विजेता रही थी, लेकिन 5 साल बाद लोकसभा चुनाव का इतिहास बदला और राहुल को स्मृति ने अमेठी से बाहर कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 2019 के चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र केरल के वायनाड से भी खड़े हुए और वहां से जीत हासिल की और इस तरह वो अपनी एक लोकसभा सीट बचा पाए। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश चरण के हिस्से में अमेठी का भी दौरा किया, इसलिए भी इस बार इस सीट को खास माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस सीट को कांग्रेस का पुश्तैनी सीट भी माना जाता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल इस सीट को नहीं बचा पाए थे। अब देखने वाली बात यह है कि अगर इस सीट पर राहुल गांधी फिर से खड़े होते हैं तो जनता उन्हें नकारती है या फिर उन्हें जीत का सेहरा पहनाती है। फिलहाल इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आप बताएं, आपको क्या लगता है, इस बार राहुल या स्मृति, कौन जीतेगा अमेठी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। शुक्रिया।